जय गुरुदेव। फिर शुरू हुआ सन 1977, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्तों से जो बाहर थे, लोग पूछते थे कि भाई 76 तो खत्म हो गया, कांग्रेस तो अभी गई नहीं और इंदिरा गांधी ने चुनाव साल भर के लिए टाल दिया, तो क्या बाबा जी की भविष्यवाणी गलत है? तो सत्संगी प्रेमी है पूरे दावे के साथ उनसे कहते थे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, समय की प्रतीक्षा करो और जल्दी ही सरकार बदलेगी, इंदिरा के सिर पर बैठकर बाबा जी के भूत कुछ ऐसा करा देंगे कि सरकार बदल जाएगी, अचंभा होगा, सभी लोग इस बार वोट देने के लिए तैयार रहो, चुनाव होगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इतनी असहनीय यातना देने के बाद भी केंद्र और प्रांतीय सरकारों को जब संतोष नहीं हुआ तो जाड़े की कड़ाके की ठंडी में हाथ पैरों में हथकड़ी और डंडे वाली बेड़ी पहने 8 फुट के बंद कमरे में तन्हाई में रहना परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बड़ा अवर्णनीय कष्ट हुआ। निश्चय ही यदि संत नहीं होते, अवतारी शक्ति नहीं होती, परमात्मा का मनुष्य रूप अवतार नहीं होता, तो एक सामान्य मानव चाहे कितना भी बलशाली होता अब तक मर गया होता। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बहुत दिनों तक अन्न नहीं खाए, तेल और कंघी नहीं लगाए, बाबा जी अभी जिंदे हैं ये प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आश्चर्य था। और एक दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बरेली सेंट्रल जेल में एक स्थान पर ले जाया गया, परंतु जेल अधिकारी वो कार्य नहीं कर सके और बाबा जी को पुनः उनके तन्हाई के कमरे में पहुंचा दिया गया। स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में घोर कष्ट दिया गया। स्वामी जी महाराज ने बरेली के जेल अधीक्षक से समुचित इलाज के लिए प्रार्थना की थी। जेल अधीक्षक को स्वामी जी महाराज का दिया गया एक प्रार्थना पत्र जो आपको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, बड़े ही ध्यान से आप इसे सुनिए। माननीय अधीक्षक महोदय बरेली, सेवा में प्रार्थना। सरकार ने आपके पास मुझे धरोहर के रूप में सुपुर्द किया है, हमारी देखरेख के सभी अधिकारी दिए हैं, मैं यह जान चुका हूँ आपके कथनानुसार की बेड़ी का आदेश मुख्यमंत्री तिवारी उत्तर प्रदेश ने दिया है, जेल की तरफ से आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई, श्रीमान जी जो हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ जिसको मैं कभी सोच नहीं सकता था कि जेल के अधिकारी ऐसा व्यवहार करेंगे, मैं तो यह समझ रहा हूँ कि जो व्यवहार जानवरों के साथ निर्दयता और कठोरता का किया जाता है वह हमारे साथ हो रहा है, कान हमारा सदा बहता रहता है जिसमें मवाद निकल रहा है, जिसे डॉक्टर ने देखा है, दवा लिखी है, अभी तक दवा आई नहीं, सूजन भी कभी कभी हो जाती है, दांतों में बड़े 4 होल हैं, छोटे छोटे दांत मांस के अंदर रह गए हैं, आसपास के दांत भी दर्द करते हैं, दवा का कोई लाभ नहीं, मुझे 5 साल से गठिया का रोग है, सारा शरीर जकड़ जाता है, जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और रात को नींद भी नहीं आती है, आँख की रोशनी कम हो गई है, लिपा लिपा दिखाई देता है, चश्मा नहीं लगता। श्रीमान जी आपके श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेश द्वारा जो जेवर पैरों में पहनाया है, जिसको जेल खानों में बेड़ी कहते हैं, इसके कारण हमारे दाहिनी तरफ का अंडकोश सूज गया है, पेशाब में जलन होती है, जेल डॉक्टरों को दिखा दिया पर कुछ कहा नहीं डॉक्टरों ने। हस्ताक्षर परम पूज्य स्वामी जी महाराज। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह पत्र जेल अधीक्षक बरेली को लिखा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस पत्र पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दवाइयों के रूप में कई बार स्लो पॉइजन देने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जेल की दवाइयों को कभी यूज नहीं किया। जेल में स्वामी जी महाराज ज़्यादातर शांत रहा करते थे। बरेली में स्वामी जी महाराज के साथ श्री दलगंजन सिंह एडवोकेट, भवानी सिंह गौतम एडवोकेट हमीरपुर, गुलाब सिंह परिहार अध्यापक हमीरपुर और छतर सिंह खन्ना, ये गैर सत्संगी थे। बाद में 2 सत्संगी शिष्य श्री संतराम और श्री राम भेज वर्मा फैजाबाद की जेलों से ट्रांसफर होकर बरेली जेल में आ गए, तो वे स्वामी जी महाराज के
पास रहते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रातः शौच के बाद मुंह धोकर तुरंत चाय पीते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बरेली जेल में भी स्वयं चाय बनाते थे और बनाकर लोगों को पिलाते थे। चाय का नाम स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव जनता चाय रखा था। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आओ जनता चाय तैयार है। सभी साथ वाले अपनी अपनी मगों को लेकर पहुंचते थे स्वामी जी महाराज के पास, तो स्वामी जी महाराज चाय में लकड़ी से चीनी मिलाते थे और कहते थे कि जनता चम्मच जनता चाय। किसी को ये रहस्य नहीं मालूम था कि स्वामी जी जनता नाम क्यों बराबर लेते हैं। स्वामी जी महाराज संकेत में आगे आने वाले शासन का नाम बताते थे, लेकिन संतों की भाषा को कौन समझ सकता है, बिरले ही उनका राज जान सकते हैं। संतों की बात कभी असत्य नहीं होती। देश में लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव होगा, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के भूतों ने काम किया और जैसे भी जो भी समझ में आया, जघन्य पापों की गठरी से दबी इमरजेंसी थोपक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी। 30 वर्ष के इंदिरा कांग्रेस का वो अंतिम दिन था। इसके बाद जेल में राजनीतिक पार्टियों के लोगों में एक चेतना आई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब पार्टियां एक हो जाएं तभी कुछ होगा। स्वामी जी महाराज गोपनीयता से जेल में ही राजनीतिक पार्टियों के मैन मैन नेताओं और सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण से परस्पर संपर्क करके जनता पार्टी बना दिए। संपर्क करने के लिए और स्वामी जी महाराज के बातों को बताने के लिए सत्संगी डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी ने बड़े ही कुशलता से कार्य किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। जेल में ही जनता पार्टी बना दी गई और 21 जनवरी सन 1977 को जेल के लोगों के बीच स्वामी जी महाराज ने कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न मैं बहुत पहले से देख रहा था, जो सामने आई है। 33% बच्चों को टिकट मिलना चाहिए। देखिए, सरकार ने ये तोहफा दे रखा है। बेड़ियों को दिखाकर स्वामी जी महाराज ऐसा बोले कि देखिए, सरकार ने यह तोहफा दे रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। मेरे प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कही हुई ये बात CID के गुप्तचरों द्वारा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मालूम हुई, तो पुनः उन्होंने बाबा जी को तन्हाई में देने और सख्ती से निगरानी रखने के लिए जेल अधिकारियों को मौखिक आदेश दिया। 22 जनवरी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज को फिर से तन्हाई दे दी गई। मुख्यमंत्री ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जेल में कही हुई बातों को तुरंत इंदिरा गांधी को जाकर बतलाया। दिल्ली लखनऊ एक हुआ और तब भयभीत इंदिरा गांधी ने कुछ सोचा समझा और अपने सहयोगियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। 26 जनवरी का दिन आया। इंदिरा कांग्रेस पार्टी ने गणतंत्र दिवस मनाया और उस राष्ट्रीय पर्व के दिन इंदिरा गांधी ने मौखिक रूप से मुख्यमंत्री को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बरेली जेल से कुछ खास तरीके से ट्रांसफर करने का आदेश दिया। आदेश का पालन तुरंत हुआ। 26 जनवरी की रात में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दो शिष्यों श्री संतराम और श्री राम भेज वर्मा, जिनको कुछ दिन पहले तन्हाई दी गई थी, उनके कमरे में जब वे सो रहे थे तो उनके कमरे में चुपके से ताला लगा दिया गया और आधी रात को अंधेरे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को एक बंद गाड़ी में बैठाया गया। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहने परम पूज्य स्वामी जी महाराज गाड़ी में बैठ गए। स्वामी जी महाराज के चारों तरफ संगीन धारी चार खूंखार जैसे सिपाही खड़े हो गए। इसके बाद चुपके से गाड़ी जेल की चार दीवारी से बाहर निकली और फिर तेजी से बरेली के बाहर चल दी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सिपाहियों से पूछा कि आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं इस रात में, लेकिन किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। स्वामी जी महाराज ने फिर पूछा कि आप लोग मुझको सुंदर डाकू की तरह से कहीं मारने के लिए तो नहीं ले जा रहे हैं, तो सिपाहियों ने कुछ नहीं बताया और फिर स्वामी जी महाराज को बोलने नहीं दिया गया। कड़ाके की जाड़े की रात में गाड़ी चलती रही और सीधे दिल्ली में एक कमरे के पास जाकर रुकी। स्वामी जी महाराज को गाड़ी में से उतारा गया और चुपके से एक कमरे में रखा गया।
कमरे के भीतर चार संगीन धारी सिपाहियों का पहरा था और कमरे के बाहर भी सख्त पहरा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहां नित्य क्रिया की। इसके बाद वहां प्रधानमंत्री के कुछ निकटतम सहयोगी लोग आए। उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि गुरुदेव जी आप कांग्रेस का समर्थन दें, प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती है। तो स्वामी जी महाराज ने तब कहा कि जय गुरुदेव, भगवान को जो कहना था वो कह दिया, अब गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। इंदिरा गांधी को स्वामी जी महाराज की बात बताई गई तब तुरंत स्वामी जी महाराज को उत्तर प्रदेश से बाहर हटाकर बहुत दूर बंगलोर जेल में रखने के आदेश इंदिरा गांधी ने दिए। इसके बाद तुरंत सुबह ही स्वामी जी महाराज को हथकड़ी बेड़ी पहने हुए एक विशेष हवाई जहाज में बैठा दिया गया और उन्हें बेंगलोर जेल पहुंचाया गया। बंगलोर जेल के अधिकारियों को सूचना दी गई कि इसे बहुत ही गुप्त रीति से रखा जाए, इसलिए स्वामी जी महाराज को बंगलोर में हवाई जहाज से उतार कर एक बंद गाड़ी में बैठा कर बंगलोर सेंट्रल जेल में ले जाया गया। जेल में वहाँ जिसको भी ये खबर मालूम हुई कि उत्तर प्रदेश का कोई बहुत भारी डाकू यहाँ आ रहा है, तो वे सभी देखने के लिए बड़े उत्सुकता से प्रतीक्षा वहाँ कर रहे थे। काफी संख्या में बंदूकधारी सैनिक वहाँ मौजूद थे। जेल के भीतर मोटर गाड़ी से परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को हथकड़ी बेड़ी पहने जब उतारा गया तो देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि ये तो साधु हैं। जेल के सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश के इस क्रूर व्यवहार को देखकर चुप थे। बंगलोर के जेल अधीक्षक ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बहुत ठीक से रखा, डंडे वाली बेड़ी हटाकर जंजीर वाली बेड़ी पहनाई। उसने कहा कि महात्मा जी, आप दूसरे प्रांत से आए हैं इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर मेरे प्रांत में होते तो मैं यह नहीं होने देता, फिर भी मैं जितना कर सकता हूं मैं करूंगा। बंगलोर जेल अधीक्षक को दिल्ली से यह खबर दी गई थी कि जय गुरुदेव को इस प्रकार गुप्त रखा जाए कि हवा भी न जान पाए। जब जेल अधीक्षक ने जवाब दिया कि बाबा जी के भक्त पूरे देश में हैं, इनको कैसे गुप्त रखा जा सकता है, उस जेल अधीक्षक ने अपने अधिकार का प्रयोग कर अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर पता लगाकर परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कुछ प्रेमी भी दो तीन दिन बाद बंगलोर पहुंच गए। स्वामी जी महाराज से उस वक्त में मिल तो नहीं पाए, लेकिन उनको स्वामी जी महाराज का हालचाल मिलता रहा। इधर राजनीतिक बंदी नेतागण जेलों से छोड़े जा चुके थे और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त भी जो जेलों में बंद थे अब छूट छूट कर जेल से बाहर आ रहे थे और सभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के भक्त और समर्थक खुले रूप में जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे और प्रचार प्रसार में अपने तन मन धन से लगे थे। जेलों से छूटकर जो भक्त संगी आते थे वे तुरंत चुनाव प्रचार प्रसार में और समर्थन में लग जाते थे जनता पार्टी के। इंदिरा गांधी का सारा तंत्र सारा प्रचार प्रसार रुपयों के बल पर लगा था, लेकिन जनता जनता पार्टी को खुला समर्थन दे रही थी। जनता को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी पर पूर्ण रूप से विश्वास था। कांग्रेस के प्रचारक प्रचार करते थे तो उन्होंने ये अनुभव किया कि जनता जनता पार्टी के साथ है, इसलिए कांग्रेस के प्रचारकों ने प्रचार प्रसार के नाम पर खूब धन चुराया और इंदिरा गांधी ने पूरे देश में जब दौरा किया तो उसे भी ये पता चल गया कि जनता जनता पार्टी के साथ है। जब इस असलियत का नक्शा प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों से पूरे देश में देखा तो उसका होश उड़ने लगा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, उसका चेहरा उतर गया। जिधर देखा उधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रचार और जनता पार्टी का समर्थन। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बेड़ियों के बीच बंद बंगलोर में थे, लेकिन पूरे उत्तर भारत में जय गुरुदेव की आवाज़ गूंज रही थी। उस समय इंदिरा गांधी के सहयोगियों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से जनता को बरगलाने के लिए गलत समाचार छापना शुरू कर दिया और ब्लिट्ज अखबार ने 12 फरवरी सन 1977 को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पीएससी का कांड सन 1973 में कराया था। लेकिन इन सभी अफवाहों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब इंदिरा गांधी ने त्रिया चरित्र रचा और उसने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को तुरंत बंगलोर जेल से दिल्ली बुलवाया।